तो यार बाकी मैंने स्टार स्पोर्ट्स वालों से भी बात की थी, लेकिन उनके आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद माय अदर इंटरेस्टिंग एंड ब्रांड न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो ना तो मुझे कुछ चाहिए था शुरू में, मैंने आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में बता दिया है कि क्या सीन हुआ हुआ मेरे साथ। तो होना तो मुझे कुछ चाहिए था सच्ची में, लेकिन यार क्योंकि खुश होना चाहिए था, ये बात मैं बता दूँ, खुश यूँ होना चाहिए था कि मेरी चैनल पे मोस्ट व्यूड वीडियो आ गई हैं, दो तीन आ गई हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, उनसे मुझे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उस वीडियो को देख के। तो उनके साथ बुरी खबर यह आई है, मैं यह बताना चाहता हूँ उनके बुरी खबर क्या है। बुरी खबर उनके साथ ये आई है कि दो वीडियोज़ पे वो व्यूज़ तो आए, लेकिन उनके साथ साथ एक मेरी वीडियो जो है उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गई है, वो भी स्टार स्पोर्ट्स वालों की तरफ से, जो कि मैंने शाइन उसका क्या नाम है नसीम शाह की वीडियो अपलोड की थी, उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गई है। एक आई है और एक पहले आई हुई थी डीजे एम्पायर भाई की तरफ से, लेकिन जब वो मुझे कह रहे हैं कि मैंने नहीं सेंड की हुई, ये यूट्यूब टीम की तरफ से आई हुई है, आप उनसे बात कर लो। तो वो क्यों आई थी डीजे एम्पायर भाई की तरफ से, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड जो म्यूज़िक था वो उनका इस्तेमाल किया हुआ था, म्यूजिक नहीं गेम प्ले उनका इस्तेमाल किया हुआ था, तो इसीलिए उनने उस वीडियो पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक कर दी। एक और एक अभी आ गई, तो एक और आ जाती है तो आपको पता ही है होता क्या सीन क्या होता है, उसके बाद एक और आ जाती है। तो उस दिन मैं वही कॉपीराइट का इशू सॉल्व करने के चक्करों में लगा हुआ था, तो उतनी देर में मुझे ऊपर नोटिफिकेशन आ गया कि आपके पास एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यार मैं आपको ये बात कंफर्म कर लूँ, वो जो स्ट्राइक आई थी ना गेमिंग वाली वीडियो पे, गेमिंग वाली वीडियो पे वो आई थी डीजे एम्पायर की तरफ से, एम्पायर भाई की तरफ से, लेकिन मैंने जब उनसे बात की तो मुझे लगा था पहले उन्हीं ने सेंड किया, मैंने जब उनसे बात की तो उनने फुल तफसील से मुझे बता दिया कि ये मैंने नहीं किया, आप मेरी वीडियो इस्तेमाल करते हो तो कर लो बेशक, अपनी मदद के लिए आप मेरी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये मैंने नहीं किया, ये यूट्यूब टीम की तरफ से आई है, आपको स्ट्राइक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है आपको यूट्यूब टीम की तरफ से, यूट्यूब टीम की तरफ से, तो आप उन्हीं से बात करो, शायद उन्हीं के पास कोई हल निकल आया आपका, उन्हीं से बात कर लो आप। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, वो जो उनने मेरे से बात की थी वो स्क्रीनशॉट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जी ये वो स्क्रीनशॉट जो मैंने खींच लिया था, इसको क्रॉप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी उनने मेरे से बहुत प्यार से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, कोई बंदा अगर मैं किसी और के इल्ज़ाम लगाता तो वो तो मुझे आगे से गालियाँ देता ना, यार ये कैसे कर सकता है फलाना ढिमकाना, ये कुछ गालियाँ शालियाँ देता ना। इनने बहुत प्यार से बात की, अच्छी तरह डील किया। ऐसे लोग आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलते हैं कि यार कि उनके ऊपर एक तो इंजाम लगा, ऊपर से वो इतने प्यार से बोलें कि कोई मिसाल ही ना दे पाए किसी बंदे की कोई। तो ये कहना चाहूँगा कि बस मैं भी उनका फ़ैन हूँ, अच्छे लगती है उनकी वीडियो, और गलती भी मेरी थी कि अगर वो असली में कॉपीराइट वो खुद करते ना तो वो सही कर रहे थे, गलती क्योंकि मेरी थी, मैंने उनके वीडियो यूज़ की, उनका वॉइस यूज़ किया। अब क्या करूं यार, उनकी वीडियो इतनी अच्छी है, वॉइस ही इतना अच्छा है, गेम प्ले इतना अच्छा है, बंदा यूज़ ना करे तो क्या करे। तो बस मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्टार स्पोर्ट्स वालों ने जो स्ट्राइक की थी उनसे भी मैंने रابطہ किया था कि आप मुझे मेरी स्ट्राइक हटा दें, ये मेरी अपनी वीडियो है और मैंने खुद एडिट की हुई है, नहीं आपके चैनल से उठाई नहीं है मैंने। और डकी भाई के चैनल पर भी उन्होंने इस तरह ही कर दिया था, जबकि डकी भाई ने अपना कंटेंट अपलोड किया था, मैंने तो फिर चलो किसी और की वीडियो उठा के एडिट करके अपना कंटेंट ही ना, यूट्यूब से तो मैंने वो भी नहीं उठाई, यूट्यूब से भी नहीं उठाई मैंने, स्टेटस से उठाई है, क्या पता उसने भी यूट्यूब से उठाई हो जिसका स्टेटस लगाया हुआ था। चलो खैर मैंने बात की थी उनसे भी, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया आगे से कुछ भी, और मैंने करंट नोटिफिकेशन भी भेज दिया था यूट्यूब को कि मेरी अपनी वीडियो अपना कंटेंट है, तो यूट्यूब ने आगे से कहा कि पता नहीं उसने भी बल्कि नहीं कहा अभी, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक उसने कुछ भी यूट्यूब ने भी। तो ये कहना चाहता हूँ कि बस कोई हेट शेट नहीं फैलाना चाहता मैं कि ये मैं इसको हेट दे रहा हूँ उसको हेट दे रहा हूँ, बिल्कुल हेट नहीं, फुल लव है। टीजी एम्पायर भाई भी हमारे छोटे भाई हैं, छोटे क्या तो बड़े भाई हैं, हम तो छोटे हैं उनसे, और भाई उनके भी मेरे दिल में बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, जिस तरह पहले पहले भी थी और अब और ज़्यादा हो गई है कि ऐसे यार ऐसे तो मैं कह रहा था, मुझे लग रहा था कि वो आगे से गालियाँ देंगे कि यार आपने ऐसा क्यों किया, वो तो जानी जानी करके मेरे से बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ यार, ये ऐसे भी लोग हैं अभी तक पाकिस्तान में। ये बात भी है कि हो सकता है कि अब मैं दो तीन महीने तक बहुत कम वीडियो डालूँ ना, पहले तो तकरीबन रेगुलर तो डाल देता होता था ना, हो सकता है दो तीन महीने तक बहुत कम वीडियोस डालूँ, स्ट्राइक एक हट जाए ना
फिर धमाकेदार वीडियोज आते रहेंगे उसके बाद। एक हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, दो हो तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक जाएगा, मुझे नहीं लगता। उसके बाद ये अगर स्ट्राइक के बाद जाएगा तो फिर जाएगा, वरना उसके उससे पहले नहीं जाना रहेगा, क्योंकि रिस्क है ना, रिस्क वाला काम है। अगर कोई भी वीडियो पर गलती से भी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई तो गया चैनल पूरा उड़ गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारे अपना ख्याल रखना।